ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के तौर पर ऋषि सुनक के चुने जाने के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय मूल और एक हिंदू प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, इसको लेकर के भक्तों को और दरमियान और लेफ्टिस्ट के दरमियान सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। और यह बहस शुरू हो गई है कि क्या ऋषि सुनक भारतीय हैं। ये तो स्पष्ट है कि ऋषि सुनक हिंदू हैं, ये बात उन्होंने अपने कंपेन में भी कई बार कही है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि पिछली बार जब कंपेन चल रही थी प्रधानमंत्री की रेस को लेकर, जब उन्होंने रिज़ाइन दिया था और उसके बाद सरकार गिर गई थी और खुद सुनक जो है वो प्रधानमंत्री की रेस में बने हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने गौ पूजा भी की थी और खुलकर वो मीडिया के सामने आए हैं। और अपनी पत्नी को लेकर जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि मेरी पत्नी हिंदू है और मैं भी हिंदू हूँ, और उसके बाद भारत में भी खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गोदी मीडिया के जरिए इस बात को जब वो पूजा कर रहे थे गाय की, तो उसको काफ़ी हाईलाइट किया गया था। और पिछली बार जब वो रेस से थोड़ा सा पीछे रह गए थे, उस वक्त भी तकरीबन प्रधानमंत्री उनको बना दिया गया था भारतीय मीडिया के जरिए, और उसमें अपनी छाती ठोकते हुए तमाम चैनल नज़र आ रहे थे कि भारतीय मूल का कोई बना है, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर विवाद है, लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। पहले तो ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि वो भारतीय हैं या नहीं, भारतीय मूल के हैं या नहीं, क्योंकि आज़ादी से पहले उनके दादा चले गए थे इंडिया छोड़ करके, और जिस हिस्से से वो गए थे वो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब के रहने वाले थे इनके दादा। लेकिन इनकी माँ और इनके बाप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ये खुद अपने आप को हिंदू बताते हैं, इसमें भी कोई किसी तरह का शक नहीं है। लेकिन ये भारतीय मूल के हैं, इसको लेकर के विवाद हो गया है। और उसके साथ ही ये बात भी सोशल मीडिया पर उठाई जा रही है बड़े ज़ोर के साथ कि स्वागत किया जाना चाहिए और स्वागत करते हैं हम एक जो है वो एक हिंदू जो वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं ब्रिटेन में, वो प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुँचा है। लेकिन सवाल ये किया जा रहा है, क्या भारत में भी कोई अल्पसंख्यक समुदाय का शख्स यानी मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है? ये बात बाकायदा बहुत सारे लोगों ने अपने ट्विटर पर इसको शेयर किया है, ट्वीट किया है और सवाल खड़ा किया है। उसके साथ ही दूसरी बात ये बार बार उठाई जा रही है कि आप उस शख्स को जिसके बाप भी भारत में पैदा नहीं हुए, दादा चले गए थे इंडिया छोड़ करके, उसको आप इंडियन बता रहे हैं और अपना छाती पीट रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब 2004 में कांग्रेस की सरकार भारत में बनने जा रही थी और प्रधानमंत्री के तौर पर सोनिया गांधी को देखा जा रहा था कांग्रेस पार्टी के जरिए, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर कोहराम मचा दिया था कि एक विदेशी महिला किस तरह से इस पद तक पहुंच सकती है। और वो विदेशी महिला जो तकरीबन 52 साल से भारत में रह रही है, भारत की नागरिक है, बच्चे उसके भारत में पैदा हुए हैं, भारतीय मूल के एक शख्स से उसने शादी की और भारत की नागरिकता हासिल की, उसको लेकर के बवाल मचाया गया। लेकिन वो शख्स जिसके पास न भारत की नागरिकता है, ना उसका बाप भारत का नागरिक था, ना उसकी माँ भारत की नागरिक थी, उसको लेकर के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। हिंदू होने पर गर्व महसूस किया जा सकता है, एक अल्पसंख्यक के प्रधानमंत्री बनने पर गर्व महसूस किया जा सकता है और लोग कर रहे हैं, उस पर किसी को एतराज़ नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात मैंने कही उसको लेकर के सोशल मीडिया पर खुद कांग्रेस के नेता इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक ट्वीट किया गया है मार्कंडे काटजू के जरिए और एक ट्वीट सामने आया है जिसमें दो पिक्चर्स हैं, एक ऋषि सुनक की और दूसरी सोनिया गांधी की, टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। द मैन हु वाज बॉर्न इन यूके बिकम पॉलिटिशियन इन यूके होल्ड सिटीजनशिप ऑफ यूके इज एन इंडियन, यानी वो शख्स जो यूके में पैदा हुआ, यूके की उसके पास सिटीजनशिप है और आप उसको इंडियन कह रहे हैं। द वुमेन हु हैज बीन लिविंग इन इंडिया फ्रॉम पास्ट 52 ईयर्स बिकम पॉलिटिशियन इन इंडिया एंड होल्ड सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज ए फॉरनर्स, RIP लॉजिक, और एक मीम लगाया हुआ है। यानी वो महिला जो 52 साल से भारत में है, भारतीय शख्स से उसने शादी की, भारत की सिटीजनशिप उसने हासिल की, वो विदेशी हो गई। ये एक ट्वीट किया गया है। इसके साथ ही
मार्कंडे कार्जू ने भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने लिखा है, इट हैज वंस कॉल्ड 90% इंडियन फूल्स एंड दिस में हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय देयर सेलिब्रेटिंग ऋषि सुनक बिकमिंग पीएम ऑफ यूके। हाउ डज इट मैटर वेदर पीएम ऑफ यूके इज ऑफ ब्रिटिश, इंडियन और चाइनीज ओरिजिन। क्वेश्चन इज व्हाट प्लान ही हैज टू साल्वेज ब्रिटिश इकोनॉमी विद इज इन रिसेशन। यानी ये सवाल नहीं है कि वो कहाँ का नागरिक है, सवाल ये है कि डेढ़ महीने के अंदर ही जब प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देती हैं इस बात पर कि वो इकोनॉमी को संभाल नहीं पा रही हैं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ उसको ये बताना कि वो इंडियन है या किसी और कंट्री से उसका ताल्लुक़ है, भारतीय है, क्या उसके पास कोई ऐसा कंक्रीट प्लान है कि वो वहाँ की इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाए। तो सवाल बहुत सारे हैं। इसी साल 6 जुलाई को ऋषि सुनक ने बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद कई और मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था और आखिरकार प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को अपने इस्तीफे की घोषणा करनी पड़ी थी। ऋषि सुनक का जन्म 12 मई 1980 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हुआ था। सुनक के पिता यशवीर डॉक्टर थे और माँ उषा सुनक फार्मेसिस्ट थीं। यशवीर और उषा पूर्वी अफ्रीका से 1960 के दशक में ब्रिटेन पहुंचे थे, लेकिन उनकी जड़ें पंजाब से हैं। उनके माँ बाप की 3 संतानों में ऋषि सुनक सबसे बड़े हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर फेलो सुशांत सिन्हा ने ऋषि सुनक का हवाला देते हुए भारत की राजनीति पर सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि वर्तमान में भारत की केंद्र सरकार और सत्ताधारी पार्टियों में देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय से कोई ना तो मंत्री है और ना ही सांसद। दूसरी तरफ ब्रिटेन में ऋषि सुनक के उभार पर लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फूले नहीं समा रहे। सवाल जायज है कि भारत में इस सरकार में ना तो अल्पसंख्यक समुदाय से कोई मंत्री है और ना कोई पद है इस सरकार में, ना कोई सांसद है, तो जाहिर सी बात है सवाल तो खड़ा होना है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और शशि थरूर ने ब्रिटेन के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि एक दिन भारत में इस प्रथा को अपनाया जाएगा। टीएमसी सांसद महुआ मोत्रा ने इस कदम का खैर मकदम किया है और उम्मीद जताई है कि भारत की भविष्य में भी और असहिष्णु बनेगा। चिदंबरम ने ट्वीट पर कहा, पहले कमला हैरिस, अब ऋषि सुनक। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों ने अपने देशों के गैर बहुसंख्यक नागरिकों को गले लगा लिया है और उन्हें सरकार में उच्च पदों के लिए चुना है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे लगता है कि भारत और बहुसंख्यकवाद का पालन करने वाली पार्टियों को सबक लेना चाहिए। शशि थरूर ने कहा, अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हम सभी को ये कबूल करना होगा कि ब्रिटेनियों ने दुनिया में बहुत ही दुर्लभ काम किया है। सबसे शक्तिशाली कार्यालय में एक यशेमान अल्पसंख्यक के सदस्य को रखने के लिए, जैसा कि हम भारतीय सुनक की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, आइए ईमानदारी से पूछें, क्या ये यहाँ हो सकता है? महुआ मोत्रा ने कहा है, ब्रिटिश एशिया को 10वें नंबर पर रखने के लिए मेरा दूसरा पसंदीदा देश यूके पर गर्व है। उन्होंने कहा है, भारत अधिक असहिष्णु और सभी धर्मों सभी पृष्ठभूमियों को स्वीकार करने वाला हो। तो ये थी जो प्रतिक्रियाएं लोगों के जरिए दी गई और लोग सवाल ज़रूर कर रहे हैं। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।